नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी ऑटरिंग। आज हम दूसरे चरण के आईपीएल शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और नियमित स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। आईपीएल 2021 का शेड्यूल आ गया है। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच दुबई में है। आईपीएल 19 सितंबर से फिर से शुरू होगा और फाइनल 15 अक्टूबर को दुबई में ही खेला जाएगा, जो कि T20 विश्व कप शुरू होने से ठीक दो दिन पहले है। बाकी 31 मैचों में से 13 मैच दुबई में, 10 मैच शारजा में और 8 मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि सभी विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं। ईसीबी के निर्देशक एशले जाइल्स ने आईपीएल के दूसरे चरण में इंग्लिश खिलाड़ियों के शामिल होने से इनकार किया है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस ने भी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के साथ लीग से नाम वापस ले लिया है। T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए विदेशी खिलाड़ी अपने आईपीएल अनुबंधों के बारे में पूर्ण विचार करेंगे, क्योंकि वह विश्व कप शुरू होने से पहले तरोताज़ा रहना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि सीजन शुरू होने से पहले कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में कहाँ पर खड़ी है। दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों में 12 अंकों के साथ टॉप पर है। उन्होंने अपने कप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी से और मजबूती मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आरसीबी भी 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। मुंबई इंडियंस 8 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स 6 अंकों के साथ पाँचवें स्थान पर है। पंजाब किंग्स 6 अंकों के साथ छठे स्थान पर हैं और सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में सबसे नीचे हैं। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने BCCI से 20 अगस्त से पहले दुबई पहुंचने का अनुरोध किया है, ताकि उन्हें अभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिल सके। CSK को अन्य टीमों की तुलना से अधिक समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलते हैं, जैसे कि MS धोनी, सुरेश रैना, फाफ डु प्लेसी, इमरान ताहिर और आदि खिलाड़ी। राजस्थान रॉयल्स को अपने विदेशी खिलाड़ियों के लिए प्रतिस्थापन करना होगा, क्योंकि इस बात की बहुत कम संभावना है कि शेष सत्र के लिए अंग्रेजी खिलाड़ी उपलब्ध होंगे। वे जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर की सेवाओं को बुरी तरह मिस करेंगे। मुझे लगता है कि आईपीएल का दूसरा चरण बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि प्लेऑफ के लिए शीर्ष 4 टीमों और टीमों के संयोजन का फैसला करना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ टीमें अपने मुख्य विदेशी खिलाड़ियों के बिना हो सकती हैं। ऑटरिंग में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सी इस टीम इस बार आईपीएल जीत सकती है। धन्यवाद।